Hey everybody, welcome back to our channel. मैं हूँ नेहा, कैसे हो आप सब। तो आज हम देखने जा रहे हैं Men Will Be Men Dank Indian Meme, तो meme का compilation by PK Memes, तो यहाँ पर से लिखा हुआ है। तो Men Will Be Men वाला जो सीरीज है, तो मतलब हमने कभी रिएक्ट नहीं किया, तो हमने बैठकर साथ में देखा नहीं है कभी। तो मतलब फर्स्ट टाइम वी विल बी सीइंग दिस मैन विल बी मैन, दैट आल्सो इन अ डैंक इंडियन मीम। तो मतलब डिस्क्लेमर दिया गया है, तो इसका देन नो, मतलब दिस वीडियो कंटेन एब्यूसिव वर्ड्स एंड 18 प्लस कंटेंट, सो यूज योर हेडफोन्स एंड वॉच इट एट योर ओन रिस्क, ऐसा भी बोला है। सो लेट्स सी ये मैन विल बी मैन का क्या होता है। तो यहाँ पर ओनली मतलब ऐसा भी लिखा है कि ओनली दिस इज ओनली फॉर एंटरटेनमेंट, सो प्लीज डोंट गेट ऑफेंडेड, है ना। तो ये वीडियो ऑफ मैन विल बी मैन डैंक इंडियन मीम हाउ दिस इज गोइंग टू बी, चलिए देखते हैं। फोन दे अपना, ये मेरे फेस से अनलॉक होता है। कोई नहीं, मैं खोल लूंगा। अच्छा म्यूजिक, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 7 या 14? जल्दी बताओ, जल्दी। 14। 28 होता है गधे, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? सॉरी सर। शर्मा जी, आपके घर के आसपास कोई पेड़ है? पेड़? हाँ। कौन सा? यूकेलिप्टस का है। ओ, मुझे लगा पैसे का होगा, इसीलिए आप इतनी शिद्दत से अपने माँ बाप के पैसे बर्बाद कर रहे। गजब बेइज्जती है। तो रुको जरा, सबर करो। तो स्कूल आके पैसे बर्बाद हो रहे, इसीलिए तो ट्यूशन लगाया। विमला पे ये साड़ी अच्छी लगेगी ना? काम वाली भाई को देना है, ज्यादा परेशान मत हो। हाँ, ये वाली ठीक है। ब्लाउज देखो, अच्छा है ना? रविश बताओ ना। अच्छा तो है, मगर ये विमला को टाइट होगा। म्यूजिक, क्या करने कर रहे हो आप? क्या हो रहा है? सही खेल गया बैंच। आप तो चाय पिला दो बस। वैसे अरेंजमेंट अच्छा था ना? ब्यूटीफुल सेरेमनी। हाँ। तू भी देखे अगर। नाइस कप। अंबर और शहजाद भी अच्छे लग रहे थे, नहीं? रेड साड़ी और ब्लैक ब्लाउज कॉम्बिनेशन आना लगता है। म्यूजिक। Burnt enough for the day? No, I need to burn 350 calories more. I can help. Tappa dub, tappa dub, tappa dub. समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? गुप्ता 4 लाख देने को तैयार है। एक छोकरी की इज्जत के लिए ये रकम बहुत है। बहुत तरक्की कर ली चड्डा, कानून की दलाली से इज्जत की नीलामी तक आ गए।
इस पेशे को भड़वागिरी कहते हैं। ये इनको समझाइए कि अमित शाह बहुत नॉटी है। किससे हो रहा है? अमित शाह से हो रहा है। इन्होंने भी नॉटी बोला। ये ऋतिक रोशन जैसी बॉडी मेरे कितने दिनों में बन जाएगी? ऋतिक रोशन जैसी बॉडी बनने में थोड़ा टाइम लगता है, बट यू आर एन इंटरेस्टिंग गाय। सेम टू यू। अपने लेसेस ट्राई कर लो। मैम ये तो बंधे हुए हैं। ये वाले। वैसे तुम्हारे घर में कौन कौन है? कोई नहीं है, चले। क्या ये पहाड़गंज का पीस है? अरे भाई साहब करोलबाग का पीस है। अरे करोलबाग का हो ही नहीं सकता, पहाड़गंज का पीस है। ये खुराना का माल है। अच्छा भाई साहब, ये खुराना का माल नहीं, मेरी बीवी है। रुको जरा, सबर करो। पर तेरी बीवी की बात नहीं कर रहा हूँ, तेरी बीवी की ब्रात ही बात कर रहा हूँ। वाला कुछ इंटरेस्टिंग नहीं हो गया। अर्जुन ठीक है, लेकिन तो ज्यादा तो नहीं, लेकिन कोई बात नहीं। जो मतलब क्या ही है, जब नवाजुद्दीन सिद्दीकी शेर का मतलब रेड ब्लैक ब्लाउज एंड रेड सारी वॉड एंड कॉम्बो सीधे थे बन, कहाँ कहाँ से ढूंढ के लाते हो अब ये सब, आई डोंट नो। लेकिन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था यार, मुझे बहुत मजा आया इसमें वाले। मतलब ये वाला जो है, मतलब पहला बहुत ज्यादा देखते थे हम ऐसे वाले, तो पहले जो भी थे पहले वाले ही अब मतलब ये है, तो मुझे ऐसा लग रहा है पहले वाले जो भी आते थे पहले ऐसे मीम्स वाले, तो उनके कॉम्बो बना कर मतलब कंपाइलेशन करके ही हमारे सामने यहाँ पर पेश किया गया। तो प्रिटी मच आई लाइक इट मैन। क्या क्या यार, क्या क्या मैन विल बी मैन, इतना ज्यादा मतलब ठीक। तो लास्ट में परेश रावत सर का तो था, इट वॉज लाइक दैट वॉज डैम, आई डिडंट इवन थॉट कि मतलब ऐसा था ये, लेकिन कोई बात नहीं यार। मतलब प्लीज डोंट गेट ऑफेंडेड, जस्ट टेक इट एज एंटरटेनमेंट पर्पस, ऑफेंडेड वाली कोई बात नहीं है, जस्ट मतलब एक फनी एंड एंटरटेनमेंट टाइप टू टेक, दैट्स ऑल ना यार, ऑफेंड कोई ना। तो दैट इज इट फॉर टुडे। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर देना, नीचे कमेंट करके बताना कि कैसा लगा, और आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए वो भी कमेंट करके बता दो। इस वीडियो को शेयर कर दो, नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन को वो भी क्लिक कर देना, और मेरे इंस्टा डिस्क्रिप्शन में दिया गया, प्लीज फॉलो दैट टू। थैंक यू।